तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, हाल ही में मैं एक मांगा वेबसाइट को प्रमोट कर रहा था, लेकिन अचानक उन्होंने अपनी शर्तें बदल दी थी, जहां पे उन्होंने हेंटाई की वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए कहा था। और यहां तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक महीने का हो चुका था, जिसमें से आधे महीने बीत चुके हैं, और इसी वजह से मैं उसे प्रमोट कर रहा था। लेकिन काफी सारे लोग बोल रहे थे कि तू इसे प्रमोट क्यों कर रहा है, यहां पे तो काफी सारे बच्चे भी है। लेकिन मैंने पोस्ट करने से पहले वार्निंग में दे रखी है, तुम लोग चेक कर सकते हो, और कॉन्ट्रैक्ट के बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो मैं सोचा था कि मैं इसे पूरा करूं। वैसे तुम्हारे क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या मैं सही कर रहा हूं? चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सु पिंग जोंग को देखता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है, तुम्हारे चेहरे को देख के ये लगता है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तो ये सुनते हुए वो जो दूसरी लेडी होती है वो कह रही होती है, इसका जिक्र ना करो, प्रोफेसर डिंग ने उस थेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया जिसे तैयार करने के लिए इसने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी, जो कि घोस्ट टॉपिक के डेथ कल्टीवेशन के ऊपर थी। ये कहते वो जोंग पर चिल्ला रही होती है और कहती है, आखिर तुम ऐसी चीजें कैसे सोच सकते हो, आखिर मरने के बाद कोई कल्टीवेट कैसे कर सकता है, ये कितना ज्यादा बकवास है। तभी सुपिंग कह रहा होता है, हाँ ये काफी ज्यादा अजीब है, ये कोई भी सेंस नहीं बनाता है। तो वो लड़की कह रही होती है, तुम ऐसी मुंह क्यों बना रहे हो, क्या मैंने कुछ अजीब कहा? सुपिंग कहते हैं, हाँ पेपर के बारे में, मैं एक ऐसे स्कॉलर की तलाश में हूँ जिसके पास पेपर राइटिंग का एक्सपीरियंस हो और इसे कोसाइनिंग करने में भी कोई भी दिक्कत ना हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम दोनों ऐसे किसी इंसान को जानते हो। तो जोंग कह रही होती, वेल मैं सच में तुम्हारे साथ नर्चरिंग के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब हमारी क्लास को डिवाइड किया जा रहा है। ये देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है, क्या डिवाइड? तो दोनों ही सुपिंग को इसकी वजह बता देते हैं। ये सुनते हुए सुपिंग मनीमन कह रहा होता है, अजीब बात है, नाइन्थ टीयर के कल्टीवेटर को हटाने से न केवल पूरे स्कूल को झटका लगा, बल्कि ये सच में एक मैटर बन चुका है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने इसके आफ्टर मैथ के साथ डील करने के लिए एक्शन लिया हो? वो उसे कह रहा होता है, क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता कि ट्यूटर अचानक रिटायर हो गया और क्लास डिवीजन जैसी बड़ी डील सामने आ गई? तो वो लड़की कह रही होती है, हाँ मैंने स्कूल से सुना है कि कल्चर प्रॉब्लम की वजह से ब्रीडर्स एसोसिएशन के लोग टीचर डिंग को जाँच के लिए ले गए थे। ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है, क्या ब्रीडर्स एसोसिएशन के लोग? और वो मनीमन कहता है, मैं देख सकता हूँ, ये तुम ही कर सकते हो। ये कहते ही वो उस एल्डर की बातें याद कर रहा होता है और उन लोगों से कह रहा होता है, वैसे क्या प्लेसमेंट असेसमेंट डिफिकल्ट होता है? जोंग कह रही होती है, दूसरी तियांजी क्लासेस वो भी असेसमेंट के क्लास के बेस में कंडक्ट किया जाता है, लेकिन 100 लोग में से सिर्फ 30 लोग ही दूसरे क्लास को चुन सकते हैं और बाकियों को अलग अलग वजह से क्लास से बाहर कर दिया जाता है। ये कहते हैं वो काफी ज्यादा सैड होती है। तो वो दूसरी लड़की कह रही होती है, तुम अपने आप पर भरोसा रखो, तुम जरूर पास हो जाओगी। ये सुनते हुए जोंग कह रही होती है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती हूँ, लगता है मैं फेल हो जाऊंगी। तो उसकी ऐसी बातें सुनते हुए सुपिंग मनीमन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे उस आदमी डिंग ने बहुत ही ज्यादा जहर भर दिया है। और वो कह रहा होता है, डीजी क्लास किस तरह की क्लास है? तो वो लेडी कहती है, मैं डीजी क्लास में थी, वहाँ पे रहने की सिचुएशन सिंपल और डिफिकल्ट थी और लोगो को अक्सर छोटे और डिफिकल्ट काम करने पड़ते हैं। स्कूल इसे एक्सरसाइज भी कहता है। इसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक टीचर कम से कम 1000 स्टूडेंट को सिखा सकता है। तो साल भर में नर्चरिंग प्रैक्टिस को करने के केवल कुछ ही मौके मिलते हैं, और अगर ये लॉन्ग टॉन्ग नहीं होता तो मैं अभी भी डीजी क्लास में गंदगी फैला रही होती। तो जोंग कह रही होती, सच में मैंने कल्टीवेशन टेक्निक के केवल सुपरफिशियल एस्पेक्ट्स को ही छुआ है, जहाँ एग्जाम में पास होने के लिए अपनी कड़ी मेहनत पर भरोसा करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है, वैसे तुम्हारे जरिए साइन अप करना खत्म होने के बाद क्या तुम मुझे वो दिखाने के लिए डीजी क्लास में ले जा सकते हो? तो वो कह रही होती, ऐसी जगह, आखिर ऐसी जगह तुम क्यों जाना चाहोगे? फिर कुछ समय बाद हम टीचर्स और तियांजी क्लास स्टूडेंट एक्टिविटी एरिया तियान डिस्ट्रिक्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पे कुछ गाड़िया पेट बीस्ट को सप्लाई करने के लिए ले जा रहे होते हैं और सारे के सारे पेट बीस्ट के लाशों को इकट्ठा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग उसे देखते हुए कह रहे होते हैं, पेट बीस्ट यहाँ पे है, अगर बहुत देर हो गई तो ये चला जाएगा, मुझे आशा है कि मैं इस बार कुछ अच्छा ढूंढूंगा। ये कहते हैं वो सभी लोग उन बीस्ट पेट की जाँच करने लगते हैं, जहाँ पे एक बंदा एक बीस्ट पेट को पकड़ते हुए कह रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, मुझे अपने फूड रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए इसकी जरूरत है। हालांकि ये कुछ टॉक्सिन से भरा हुआ है, लेकिन इसे कुछ बार रगड़ने के बाद इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी उन्हें एक जिंदा पेट मिलता है, जो कि देखते हुए एक आदमी कह रहा होता है, ये क्या, क्या ये एक लिविंग पेट है? कोई मेरे पास आओ और इसे देखो। तो दूसरा बंदा वहाँ पे जाता और कहता है, ये पेट बीस्ट लड़ने की वजह से लगी चोट है और अब तक यहाँ पे जिंदा रहना आसान नहीं है। तो दूसरा बंदा कहता है, इसका तुरंत इलाज करो।
अब हम हर दिन इससे एनिमल ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ एक बंदा उन्हें देखते हुए कह रहा होता है, डीसी क्लास के लोग बस हमारे जिले छोड़े गए प्रैक्टिस को ही सीख सकते हैं, ये कितना ज्यादा बेकार है। तो दूसरा बंदा कहता है, ये ज्यादा मेहनत ना करने की वजह से नहीं है, उन्हें इस बात पर सोचना चाहिए कि उन्हें फर्स्ट प्लेस में तियानसी क्लास में एडमिशन क्यों नहीं मिला। वैसे भी हम गरीब है और हम सोने के लिए काफी ज्यादा आलसी है, इसलिए हम इतनी दूर यहाँ पे आके क्रेडिट कमा सकते हैं। दूसरी तरफ सुपिंग ये सब देख रहा होता है, जहाँ से देखते हुए वो लेडी कह रही होती है, आखिर तुम इस डेज में क्यों आए हो। हम देखते हैं सुपिंग काफी ज्यादा पीछे होता है, वो कह रहा होता है ठीक है तुम लोग आगे चलते रहो, मैं बस तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। तो जोंग क्या ये होती है, आखिर तुम इन चीजों के बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम्हें इनकी परवाह है। सुपिंग कहता है, तियानलोंग एकेडमी के साइज को ध्यान में रखते हुए हमारा कॉलेज टॉप में टॉप कॉलेज है, तो इतने सारे स्टूडेंट के जरिए से इतना नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, है ना। तो बताओ क्या यहाँ पे हमेशा सही ऐसा हो रहा है। जोंग उसे कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तो सिचुएशन ऐसी ही थी। तो अभी अचानक उनके सामने से एक बंदा दौड़ जाके उड़ता है, ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हम देखते हैं एक दूसरा बंदा उस बंदे को मार रहा होता है और कहता है, जोर से चिल्लाओ, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, हे ब्रदर सियाओ, लगता तुम सचमुच सख्त हो, और ये कहते हुए वो उसे पीट रहा होता है। तभी और एक आदमी एक बैट लेते हुए आता है और कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, घुसे और लात ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, मैं तो उसे मारना चाहता हूँ। ये देखते हुए जोंग और वो लड़की दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जोंग कह रही होती है, आखिर ये क्या करना चाहता है। तो वो लड़की कहती है, क्या वो उसे पीट पीट कर मार डालेगा। तभी वो जो दूसरा बंदा होता है वो काफी जोर से उस पर बैट से मारता है, लेकिन तभी अचानक उसके हाथ से वो बैट गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि सुपिंग उसके पीछे होता है और उसके हाथ में वो बैट होता है। ये देखते हुए वो बंदा उससे कहता है, आखिर तुम कौन हो, मेरा मूड खराब करने की हिम्मत मत करो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है, मैं बस एक ऑर्डिनरी सिटीजन हूँ जो कि यहाँ से गुजर रहा था। वैसे लोगों को धमकाना ये काफी ज्यादा मजेदार है ना। ये सुनते हुए वो दोनों हंस रहे होते हैं और कहते हैं, क्या धमकाना, कितनी बेकार बात है। ये कहते ही वो उस आदमी के सर को ऊंचा करता और कहता है, ये आदमी कम्प्लीटली अपने इच्छा से ये सब कर रहा है, तो तुम हमारे बीच में दखल क्यों दे रहे हो। हम देखते हैं वो आदमी रोते हुए कह रहा होता है, इन्होंने मुझसे वादा किया है कि मुझे फ्यूचर में प्रमोट असेसमेंट के लिए ट्रेनिंग स्किल सिखाया जाएगा, और मैं तियानसी क्लास के दरवाजे में कदम रखने में बस एक ही कदम दूर हूँ, तो प्लीज यहाँ ऐसा चले जाओ। ये सुनते हुए जियाओ कह रहा होता है, थोड़ा सा रिसोर्स भी डीसी एरिया में बड़ा बदलाव ला सकता है, और वैसे तुमने अभी इसका एक्सपीरियंस नहीं किया है ना। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए जोंग घबरा रही होती है, वो कहती है, ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है। तो दूसरी लड़की कह रही होती है, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये काफी ज्यादा बुरा काम कर रहा है। तो अभी सुपिंग उस बैट को फेंकते हुए कह रहा होता है, अगर तुम कुछ ज्यादा ही फील कर रहे हो तो बताओ तुम उसे रियल आर्ट ऑफ कल्टीवेशन कैसे सिखाओगे। तो वो दूसरा बंदा कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम हमारे हाथों से मरना चाहते हो। हमारे जियाओ फेंगजू और ब्रदर जियाओ तियानजी क्लास 4 कल्टीवेशन डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसलिए मैं तुम्हें ये सलाह देता हूँ कि बोलने से पहले अपने बातों पर ध्यान दो। तो सुपिंग कह रहा होता, ठीक है, धाव लगाने के बारे में क्या ख्याल है, अगर हम जीत जाते हैं तो उस लड़के को तुम्हें मुझे देना होगा। ये सुनते हुए जियाओ कह रहा होता है, लेकिन अगर तुम हार गए तो क्या होगा, मुझे नहीं लगता अगर तुम बचकर भाग पाओगे। तो ठीक है, तुम उसकी जगह ले लोगे, बताओ क्या तुम ये करना चाहोगे, क्या तुम हमारा नौकर बनना चाहोगे। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होती है। अब तो तुम्हें पता लग ही गया होगा कि आगे क्या होने वाला है, करो और कमेंट सेक्शन में बताओ। इसी के साथ साथ तुम लोगों ने पिछले सीरीज पे सपोर्ट नहीं दिया है, तो जाओ यार क्या कर रहे हो, सपोर्ट लाओ ताकि मुझे भी वीडियो बनाने का मन करे। तो जाओ फटाफट पिछले वाले वीडियो को देखो और एंजॉय करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।